इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। यार मत करे आर्यन यार। हरे राम हरे राम। वेलकम बैक टू दैट एपिसोड गाइज, जिसका आप वेट कर रहे थे। और भाई अभी हम लोग हैं सेम होटल के अंदर, मथुरा के अंदर। डे टू है और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। उसके बाद आपको द्वारकाधीश की होली दिखाते हैं, उधर हम होली खेलेंगे बढ़िया तैयार वैयार। नाश्ता खेलेंगे, पहले नाश्ता करने चलेंगे बढ़िया सा एकदम। यहाँ की फेमस बेड़े ही दिखाता हूँ, बेड़े का टेस्ट रिव्यू लेना। तो भाइयों मथुरा की गलियों में देखो बढ़िया ऐसे ही रिक्शा चलते, बहुत मजा आ रहा है ऐसे बैठ के। इनकी शक्ल देख लो, बाकी मेरे साथ लक्की बैठी है। कहाँ जा रहे हैं? द्वारकाधीश। उधर करेंगे नाश्ता, उसके बाद है उधर होली, एक से ढाई के बीच में। अभी बज रहे 12, हम एक घंटे नाश्ता वास्ता करके थोड़ा घूम फिर लेंगे, उसके बाद है ना। ये भी ब्लॉग चला रखा है ना। तो उधर एक घंटा हम थोड़ा घूम लेंगे, यमुना घाट पे भी जाएंगे, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके आपको दिखाते हैं वहाँ की होली। बहुत प्यारी होली होगी, सब कह रहे हैं कि वहाँ का मतलब वहाँ की होली जरूर अटेंड करो, जरूर अटेंड करो। तो हम रेडी वेडी होके आ चुके हैं होली के लिए। और ये बोल रहे थे कि नए कपड़े मत पहनो, गंदे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। बोले एक ही, मैं बोला एक ही जिंदगी है, खुल के जियो, खुल के जियो। तो खुल के क्यों नहीं बैठा तू? मैं खुल के बैठा हूं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जाए। अभी हम आ चुके हैं रूपा कचौरी वाले अंकल के, इधर है फेमस कचौरी। अभी हम देखो ट्राई कर रहे हैं, अभी दो ही ले रहे हैं हम ट्राई करने के लिए। जयपुर से गुलाबी से गुलाबी नगरी। आप एक पेड़ कचौरी के पैसे दो के एक ही पेड़, चलो एक दे दो, एक ही पेड़ के पैसे दिए। अच्छा अच्छा हाँ समझ गए अंकल, एकदम बढ़िया सी बना दो। देख लो बेटा मसाला कैसा है इसके अंदर, बढ़िया। अब देखो भाई रूपा कचौरी वाले अंकल है यहाँ के फेमस। टेस्ट कर लो, एक हफ्ते खराब नहीं होगी, आनंद आए तो गर्लफ्रेंड को ले जाना। ये मथुरा के रूपा कचौरी वाले, तो आज आपको हम टेस्ट रिव्यू देते हैं इनकी कचौरी का। अंकल ब्रिजवासी है, एक नंबर, एकदम डिफरेंट कचौरी, एकदम डिफरेंट कचौरी, एक नंबर। तुम्हें ट्राई करनी चाहिए अगर आलू के साथ के साथ है। अगर तुम मथुरा आ रहे हो ना, तुम्हें अगर तुम मथुरा आ रहे हो तो तुम्हें ये ट्राई करनी ही चाहिए। आलू के साथ अवेलेबल है ये, और ये 7 दिन तक खराब भी नहीं होती ऐसा अंकल का कहना है। ब्रिज खा रहे अभी, खा रहे हम रूपा कचौरी वाले के पापड़ा जलेबी। देखो टेस्ट रिव्यू बताता हूँ, कचौरी ये ना जलेबी देसी घी की एक नंबर, मुँह में जाते अलग ही टेस्ट आ रहा है। केसर भी डला हुआ है तो उससे और ज़्यादा मस्त टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया एकदम। ये भी ट्राई करने की चीज़ें हैं। ये द्वारकाधीश की होली देख लो, इधर आ चुके हैं देखो माहौल, और अभी पास जाके दिखाते हैं और आपको। तो भाइयों होली ओवर हो चुकी है, और देखो हमारी आवाज सब बैठ चुकी है बढ़िया। द्वारिका की बढ़िया होली सेलिब्रेट करी, आपने देखी होगी कितना क्रेजी माहौल था, एकदम फुल। देख लो आप हमारी हालत देख लो, कितने सज धज के आए थे, और देखो कैसे जा रहे हैं। ले भाई बता बता कैसा था? एक नंबर। और इनकी तो चप्पल भी घूम गई, अंदर अंदर देख सकते हो हमारे, इनकी तो चप्पल भी घूम गई दोनों की, मेरी मिल गई। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई। तो भाई अब जा रहे इस्कॉन मंदिर से, क्या मेरा मतलब यही है, इस्कॉन मंदिर से प्यार करता है तो मेरे को भूल नहीं पाता। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, वैसा ही है मतलब हमारा सब चीज से अटैचमेंट मेरा। इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं अभी, और वो प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर, वहाँ के सीन दिखाते हैं, वहाँ के सीन दिखाते हैं। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, मेरी आवाज़ वाज पूरी बैठ चुकी है, अभी हम वृंदावन पहुंच चुके हैं।
प्रेम मंदिर के सामने है। तो पहले हम सोच रहे कि पहुंच जाए, उसके बाद प्रेम मंदिर आपको दिखाते हैं, आओ बने रहिए। तो हम आ चुके हैं इस्कॉन के यहाँ पे, देखो सामने इस्कॉन मंदिर हमें दिख रहा है, और ये देखो भाई देख सकते हो इस्कॉन का यहाँ पे माहौल। भाई बहुत पावरफुल वाइब आ रही थी यहाँ पे आके, बहुत बहुत डांस करके आए, एकदम मजा आ गया। राधे 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 राधे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो भाइयों इस्कॉन टेंपल के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही मजा आया, बहुत ही प्यारी वाइब थी। अब हम जा रहे प्रेम मंदिर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, तो आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ का माहौल दिखाते हैं। देखो कितनी भीड़ है भाइयों, यहाँ पे देखो लुक एट द व्यू भाई, मंदिर देखो तुम तो, बस मंदिर देखो और फिर हमें देखो, एकदम पसीने पसीने हो गए क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फ़ोन भी निकालने में डर लग रहा है क्योंकि पहले ही ऐसे बोल रहे हैं कि जब तेरे फ़ोन पार करके ले जाते हैं वो फ़ोन चोरी हो जाता है इधर। सबसे पहले दर्शन करने की ट्रिक देखो, चलते चलो राधे राधे, चलो 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 चलो, हेलो राधे 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 राधे। राधे राधे भाइयों, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हमने बहुत करीब से देखा बाबा को, मैं सजेस्ट करूँगा जरूर आना। बस होली के टाइम पे मत आना, ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ रहती है, मतलब नहीं है होली के टाइम पे आने का। तो भाइयों हमारी तो सबकी चप्पल खो चुकी है, सब नंगे पैर घर जा रहे हैं भाई, सारे ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा पब्लिक की चप्पल मतलब चोरी हो गई भाई, दिमाग खराब हो गया क्योंकि दो बार लाया हूँ, दो बार। देखो क्या पहन के चल रहा है, इसके क्या पांव कट गया, और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। फोन में 3000 एक बार इस्कॉन में चप्पल चोरी हो गई, एक बार यहाँ हो गई। तुम्हारी तो चप्पल हुई है, मेरा तो जूता ही हो गया, ये लो ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो जूता हो गया। हमें छोड़ के सारे रॉन्ग साइड जा रहे हैं, हम तो हमेशा सही राह पे दिशा पे चलो भाई, हम हमेशा सही राह पे चलते हैं। राधे कृष्णा अच्छी दिशा पे चलो, ये नहीं मानेंगे भाई लोग, मैं कह रहा हूँ ना ये लोग नहीं मानने वाले मेरे भाई। मैं तो समझा के थक गया भाई, एक बार समझा लू, दो बार समझा लू, डीट नकते एकदम बदतमीज भाई, मैं नहीं समझा सकता, परिवार वाले भी 5 बार समझा लेंगे, 10 बार समझा लेंगे, कितनी बार समझाऊं, हैं इंसानियत के नाते बहुत बार समझा लिया, अब नहीं होता भाई। क्यों देखो इधर इतना धार्मिक स्थल है, इधर भी लोग बात देखो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इनका मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, इधर भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, देखो धार्मिक स्थल देखो।
आने की बात है, शर्म आने की बात नहीं, इधर भी आके लड़ रहे हैं। इधर जाने के बाद हम आ चुके हैं योगीराज, इधर का फेमस, इधर का फेमस एक होटल है योगीराज। सब बोल रहे हैं मतलब ई रिक्शा वाले भैया, सब दुकानदार वाले भाइयों। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं योगीराज ढाबे पे, यहाँ का बहुत फेमस ढाबा बताते हैं इसको, तो आपको दिखाएंगे इधर का खाना खा के कि इधर अच्छा टेस्ट है या नहीं। कल जहाँ पे खाना खाया था उधर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी श्री जी वाले हैं वहाँ पे, हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप वहाँ पे जाओ। अभी योगीराज का खाना खा के हम आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं कि आपको इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो ये है योगीराज का ढाबा, और देखो यहाँ पे पब्लिक देखो कितनी है भाई, इधर तो वेट करना पड़ रहा है। और दूसरे होटल्स में तो है ना मतलब ये होता है कि पूरा खाली खाली है, और यहाँ देखो वेट करना पड़ रहा है। अब देखो जितना वेट करना पड़ रहा है उतना अच्छा खाना मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो किस्मत ही ख़राब है। क्योंकि चप्पल भी चोरी हो गई, एक के जूते चोरी हो गए 3,000 के, किस्मत सही बात है भाई, सही बात है। नहीं नहीं किसी को नहीं दे रहा के लिए, कोई कुछ नहीं दे रहा। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, बहुत ज्यादा असर आता है। लोग बह गए तो लाइव वो बता दे लक्की कैसे चल रहा था भाई, लक्की के मोछ आ गई थी आज तो तो प्रेम मंदिर पे लक्की वाला लक्की बड़ा लक्की ये पता है कैसे चल रहा था, सुन लो भाई। मेरा पेट निकल गया था, मेरा यहां से निकल गया था, मैं तो कहीं आ गया, वो मुझे ना के निकला है। ओह माय गॉड, नाइस एज मलेश अच्छी की है। मौत से पाला मेरा जा तो फिर ऊपर वाला है भाई। अभिषेक हाय बोल दे ब्लॉग को। कैसी लड़की चाहिए आपको? लड़की हमको चाहिए ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ